ओम बिरला जी वो शख्सियत है, उनकी पूरी कार्यशैली समाज सेवा केंद्रित रही। गरीब है, दुखी है, अगर कपड़े नहीं है पूरे तो उन्होंने परिधान योजना बनाई। समाज के निर्धन लोगों को रोटी के बाद कपड़ों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी हजारों लोगों को दो वक्त की रोटी और तन ढकने के लिए कपड़े मयस्सर नहीं है। ऐसे लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ने साल 2007 में कोटा में निशुल्क परिधान उपहार केंद्र स्थापित किया। हमने एक वस्त्रालय शुरू किया। उस वस्त्र के अंदर हमने लोगों से आह्वान किया कि जितने भी वस्त्र हैं वो अपने वस्त्र जमा कराओ। इसके पीछे उद्देश्य था कि जन भागीदारी से ऐसी पहल हो जिससे जरूरतमंद व्यक्ति को तन ढकने की समस्या का समाधान निकाला जा सके। माननीय अध्यक्ष ओम बिरला ने ऐसे लोगों को आह्वान किया जो कि पुराने इस्तेमाल किए गए कपड़े निशुल्क परिधान उपहार केंद्र में जमा करवाएं ताकि लोगों की मदद हो सके। उनकी जन सरोकार की इस भावना को कोटा वासियों ने समझा और देखते ही देखते सैकड़ों लोग उनकी इस मुहिम का हिस्सा बन गए। जिस टाइम पे मैं ये दान कर रही होती हूँ उस टाइम पे अलग ही फील होता है। बहुत अच्छा एक सुकून सा मिलता है कि हाँ मेरी तरफ से भी मेरा कुछ इसमें पार्ट है कि मैं किसी दूसरे इंसान की हेल्प कर पा रही हूँ। घर में जो भी कुछ निकलता है ज़रा सा कट लगता है तो हम लोग सोचते हैं ये हमारे लिए वेस्ट है, लेकिन वहीं ये वाली चीज़ किसी और के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। परिधान केंद्र में शहर के लोग सेवा भावना से अपने पुराने कपड़ों को जमा करवाते हैं। इन वस्त्रों को पहनने योग्य बनाकर निर्धनों को सम्मान से पहनाया जाता है। आज भी निशुल्क परिधान केंद्र के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को खुशी बांटी जा रही है। संपन्न परिवारों के लोग अपने पुराने और काम नहीं आने वाले वस्त्र यहां जमा करवाते हैं। इन वस्त्रों की छटनी कर उपयोगी वस्त्र अलग कर दिए जाते हैं, जिनकी धुलाई, सिलाई, रफू एवं प्रेस करवा कर इन्हें पुनः पहनने योग्य बनाया जाता है। साफ स्वच्छ वस्त्रों को शोरूम की तरह एक कक्ष में सजाया जाता है, जहां जरूरतमंद लोग अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार पसंद करते हैं। केंद्र पर वस्त्र लेने वालों के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए, ट्रायल रूम भी है, जहां पर महिलाएं अपने नाप अनुसार कपड़े ले जाती हैं। निशुल्क वस्त्र उपहार केंद्र पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसके पसंद का वस्त्र उपहार में मिलता है। त्योहारों के मौकों पर जैसे दिवाली, होली और ईद जैसे अवसर के लिए जब खास तरह के कपड़ों की जरूरत होती है उसका भी विशेष प्रबंध किया जाता है, जिससे कि कोई मायूस न हो और हर जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान कायम रहे। वर्ष 2007 में शुरू हुआ सेवा का ये सिलसिला आज भी कोटा शहर के अनेक परिवारों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों में खुशियां बांट रहा है।